कार चलाने की जानकारी न होना कितना जानलेवा साबित हो सकती है, ऐसा ही मामला गुरुवार की रात में वाराणसी जनपद के पांडेपुर चौराहे पर देखने को मिला। आपको बता दें, वाराणसी से कुछ लोग कार में सवार होकर आजमगढ़ जा रहे थे। वे आजमगढ़ चौराहे पर कार खड़ी किए और सब्जी खरीदने चले गए। इस दौरान कार में एक 17 वर्षीय युवक बैठा था, जिसने कार को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कार सामने स्थित एक दुकान में घुस गई, जिससे वहां हड़कंप मच गई। दुकान में कार घुसने पर दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उसके बाद लोगों ने कार सवारों को घेर लिया, जहां कार सवार घायलों के इलाज में होने वाले खर्च का देने का आश्वासन किया। उसके बाद भीड़ ने उनको छोड़ा। वाराणसी से पीबीसी रिपोर्टर कृष्णा सिंह की ये रिपोर्ट। चार पहिया कैसे चढ़े हैं आप आपके ऊपर? भैया बहुत तेज बहुत गाड़ी में देखते उड़ा दी सर। अच्छा, नाम मुन्ना है। आपके पिताजी का? गुलाम रसूल। रहने वाले? नई बस्ती पांडेपुर। अच्छा, यहाँ पे एक गाड़ी आई है, एकाएक चलते हुए सबको धक्का मारते हुए सामान तोड़ते हुए चली गई। कितने आदमी घायल हुए हैं? 3-4 आदमी घायल हुए हैं। आपका दुकान भी टूटा है कुछ? हमारा दुकान भी टूटा है। हमारे दुकान टूटा है, बगल में एक ठेला था वो टूट गया है, और बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। हम घर यहाँ से घर से गए, दुकान बढ़ाए गए, बाटी टुकड़ा बेचते हैं। घर गए, घर ही फोन आया, मालूम हुआ कि भाई फोर व्हीलर लेके अंदर घुस गया। हम लोग नुकसान कर दिया। ये घटना कब हुई है? घटना अभी तुमको आधे घंटे पहले मालूम हुआ। आधे घंटे पहले? हाँ। इसमें क्या लोग घायल हुए हैं आपको पता है? 4 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? पांडेपुर नगर की। आपके पिताजी का नाम? विनाथ गुप्ता।